हेलो गाइस, वेलकम टू द जीवंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल और सोनी के काफी सारी मूवी के अपडेट के बारे में, और इसमें सबसे ज्यादा वेनम के अपडेट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे अपडेट। तो पहला अपडेट आ रहा है वेनम मूवी की तरफ से। तो वेनम का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें 100% हमें देखेगा वेनम की चेस्ट पे स्पाइडरमैन का लोगो। इसका छोटा सा क्लू हमें वेनम मूवी में भी देखने को मिलेगा। अब ये कनेक्शन कैसे होगा, ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। उसके बाद करते हैं, दो पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे वेनम के पहले पार्ट में, यानी कि आपको पहला पार्ट काफी डिफरेंट दिखने वाला है और सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन और भी ज्यादा डिफरेंट दिखने वाला है। तो पहला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो होगा कर्नेज का, जिसमें टॉम हार्डी एक जेल में जाएंगे, एक कैदी से मिलेंगे और वो थोड़ा पागल सा होगा। तो वो एक्चुअली में कर्नेज का रोल करेगा, जो कि सेकंड पार्ट के लिए एक विलेन होगा, शानदार विलेन। देन नेक्स्ट जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है स्पाइडरमैन के लिए। अभी हाल ही में ये रूमर चल रहा है, मैं ऑफिशियल कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बट पता ये चला है कि सेकंड जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा वो स्पाइडरमैन का होगा। तो देखते हैं कि सोनी मार्वल के बीच में क्या डील हुई है। उसके बाद मिशेल, जो कि इस मूवी में मेन कैरेक्टर है, वो सी वेनम का रोल करेगी। जी हाँ, आपको मैंने बताया था कि टॉम हार्डी की गर्लफ्रेंड होगी जो सी वेनम बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट वेनम मूवी का, ये थोड़ा गलत है। आप सभी को पता है कि वेनम PG-13 कैटेगरी में है, और इसका रीजन आज पता चल गया। इसमें से 40 मिनट के सीन कट कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, और फैंस के लिए तो और भी ज्यादा। तो देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे सीन कट करे गए हैं। और फाइनली मिस्टीरियो का नया रोल देखने को मिला है इसमें, जिसमें कि सामने वो एक छोटे से ब्लैक कोट में खड़े हुए हैं। तो मिस्टीरियो इसमें काफी अजीब से दिख रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या चीज है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइडरमैन का नया सेट वीडियो देखने को मिला, जिसमें उनका नया सूट देखने को मिला। तो एक्चुअल मैं आपको बता दूं, ये शील्ड सूट है और इनके चेस्ट पे शील्ड का लोगो लगा हुआ है, तो काफी अच्छा क्लासिक सूट है। देन उसके बाद सोनी ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि वो वेनम के बाद उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा मॉर्बियस, यानी कि एक ऐसी विलन वाली मूवी, वैम्पायर वाली मूवी, जिसमें कि स्पाइडरमैन भी नहीं है। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पर करने छह हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।